बिहार में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कोरोना वैक्सीनेशन का भी है। बिहार में चलाया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल रविवार को बिहार ने 7 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन देने के बेंचमार्क को पार कर लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने 7.22 करोड़ से अधिक टीकाकरण पूरा कर लिया है। ये एक जन आंदोलन है जो देर रात तक जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में आंकड़ा बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण लक्ष्य तैयार कर लेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में 6 करोड़ वैक्सीनेशन खुराक देने का लक्ष्य हासिल किया था, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों का सहयोग मिला है और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता के कारण राज्य सरकार 7 करोड़ के वैक्सीनेशन आंकड़े को पार करने में सफल रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि बिहार में रविवार शाम तक 1.97 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी मिल गई है। उन्होंने देर शाम तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 2 करोड़ के आंकड़े को छूने की भी उम्मीद जताई है। तो बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 7 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा बिहार में पार हो गया और अभी भी बिहार सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि बिहार में तेजी के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो अब तक बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।